तो अगली खबर आ रही है कन्नौज से, जहां आपको बता दें किसानों की परेशानी को देखते हुए वकीलों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ किया मोर्चा, साथ ही एक दिवसीय हड़ताल कर किया गया प्रदर्शन। यह पूरा मामला सिटी स्टेशन रोड स्थित टीला माई थाना का है। धर्मशाला निर्माण के चलते जमींदोज हुए आधा दर्जन मकानों के बाद 50 से भी ज्यादा मकानों में रहने वाले लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने जमींदोज हुए 6 मकानों के अलावा गली के लगभग 50 मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया। घरों के बाहर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए। प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों को जल्द सामान समेटने और घर खाली करने के आदेश दिए। मामला ये है कि जो हमारी अविवादित नामांतरण की पत्रावलियां हैं, धारा 34 की पत्रावलियां हैं, जिन पर कि कोई भी कर्मचारी ना तो उनको समय से दायरा करता है, ना उनका समय से रख रखाव है, और जब पूछा जाए तो अधिवक्ताओं के साथ, जूनियर अधिवक्ताओं के साथ अभद्र और मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, और समय से कोई भी नामांतरण आज तक नहीं हो पा रहा है। नवंबर तक की पत्रावलियां पड़ी हुई हैं जिनका कि नामांतरण नहीं हो पा रहा है। इसी संबंध में आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर समस्त अधिवक्ता रहेंगे। यदि वार्ता के उपरांत इस समस्या का निराकरण न हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे।